In this video, we'll be learning the landed cost of materials and the best way to learn it to have a look at an example. So let's look at this example. एक कंपनी है जो दो मटेरियल बनाती है X एंड Y. एक्चुअली बनाती नहीं है, मंगाया है उसने दो मटेरियल X एंड Y. और सामने वाले ने जो बिल बना दिया है ना, he said that the total invoice value is 21,600. कुछ चीजें अलग अलग दी हैं, जैसे ये बताया है कि X मटेरियल जो मैंने मंगाया था वो 4000 क्वांटिटी मंगाया था एट 2.5, एंड Y मटेरियल जो मैंने मंगाया है वो 3200 मैंने केजीज मंगाया है एट 3.25 पर केजी. पर कुछ चीजों का कॉस्ट बाइफरकेशन नहीं दिया, जैसे सेल्स टैक्स के बारे में एक फाइनल अमाउंट दे दी है, रेलवे फ्रेट भी मुझे एक फाइनल अमाउंट दे दी है, और मुझे टोटल बिल बनाकर दे दिया 21,600. पर जब मुझे अकाउंट करना है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्स टू मी एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर वाई टू मी. मैं कंबाइंड वैल्यू नहीं ले सकता. सो अब क्योंकि हम सम का ब्रीफ जानते हैं, लेट्स रीड द सम. Krishna Limited purchases two materials X and Y. The invoice value and the details are as follows. Material X and material Y. मतलब हमारे पास दो टाइप के मटेरियल है, मटेरियल X, मटेरियल Y. मटेरियल X की हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, तो मटेरियल X की हमने 4000 केजी खरीदा है. एंड सिमिलरली मटेरियल Y का हमने क्या करा है, तो मटेरियल Y का हमने 3200 केजी खरीदा है. जो परचेजिंग प्राइस है, जो परचेजिंग प्राइस है वो X का कितना था, 2.5 रुपीस पर केजी, एंड मेरे Y का कितना है, तो 3.25 रुपीस पर केजी. तो एक काम करें, पहले तो हम इनकी वैल्यू निकाल देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 4000 इंटू 2.5 तो 10000 हो जाता है. तो यहाँ मेरे लिए क्या हो जाएगा, 10000 रुपीस, एंड 3200 इंटू 3.25 ये मेरे लिए कितना हो जाएगा, 10400 रुपये. तो पहले तो वो जो 21600 उसमें से हमने कुछ बाइफरकेशन करना चालू करा. अब हम देखते हैं आगे, आगे क्या है, सेल्स टैक्स. वेल देखो, सेल्स टैक्स का आपको फाइनल फिगर पता है ना, फाइनल फिगर कितना है, 816 रुपीज. सेल्स टैक्स किसके ऊपर लगता है, तो वैल्यू के ऊपर लगता है. तो ये जो 816 रुपीज है, ये हमें अपोर्शन करना पड़ेगा या हमें बांटना पड़ेगा एक रेशियो में, और वो रेशियो क्या है, 10000 और 10400 के बीच में. सो व्हाट वी कैन डू इज, वी नो 10000 प्लस 10400 टोटल हमारा कितना है, 20400. 816 को ये रेशियो में हमको बांटना है. तो व्हाट विल वी डू इज 816 डिवाइडेड बाय 20400 इनटू 10000, ये हमारे लिए कितना निकल गया, 400 रुपए. तो यहां कितना हो जाएगा, 416 रुपए, क्योंकि टोटल कितना है, 816 है. आफ्टर सेल्स टैक्स मुझे क्या चाहिए, रेलवे फ्रेट. रेलवे फ्रेट इज अगेन अ कॉमन कॉस्ट, कितना दे रखा है, 384 रुपीज का रेलवे फ्रेट लग गया था, 384 रुपीज का रेलवे फ्रेट लग गया था. रेलवे फ्रेट किसके ऊपर टूटना चाहिए, तो क्वांटिटी के ऊपर टूटना चाहिए. किसके ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर. तो मेरा क्वांटिटी का टोटल क्या है, 7200 केजी है मेरा. सो लेट्स डू दिस, 384 डिवाइडेड बाय 7200 इनटू, एक बार हम क्या करेंगे, 4000. तो मेरे लिए कितना निकला, 213 रुपीज यहां पर आया. अगर यहां 213 रुपीज है, तो 213 माइनस 384 यहां मेरे लिए क्या हो जाएगा, 171. करेक्ट, 171. सो इस तरीके से मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स एंड वाई तो मिला. एक्स का टोटल कॉस्ट क्या है, 10000 प्लस 400 प्लस 213. सो मेरे पास क्या है, 10613. करेक्ट. सिमिलरली यहां पर 10400 प्लस 416 प्लस 171, तो यहां मेरे लिए क्या हो गया, 10987. नाउ आई हैव द कॉस्ट फॉर बोथ ऑफ देम, और चेकिंग करने के लिए मुझे इन दोनों की कॉस्ट टोटल करना चाहिए, और उसका आंसर क्या आना चाहिए, 21600 रुपीज आना चाहिए, क्योंकि इसी को बेस लेकर या इसी को मैंने बांटना चालू करा था. सो चेक पर्पज के लिए हम फटाफट ये कर लेते हैं, एंड यस आवर आंसर इज 21600. अब सम में थोड़ा सा ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है सम के अंदर, तो ऐसा बोला है, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज टेकन एज 5% एंड 4%. मतलब ये जो 4000 क्वांटिटी मैंने मंगाई ना, उसमें 5% तो निकल जाएगा. कितना निकल जाएगा, X के लिए 5% और Y के लिए कितना निकल जाएगा, 4%. तो मेरे पास X में कितना बचेगा, 4000 माइनस 5% ही बचेगा. सो दैट विल बी इक्वल टू 3800 मेरे ख्याल से, मैं ऐसा, 3800. तो 3800 मेरे पास रहा. सिमिलरली Y में मेरा कितना परसेंटेज निकल रहा है, तो Y में मेरा 4% निकल रहा है. तो यहाँ मेरे लिए कितना हो जाएगा, 3200 into 4% माइनस इक्वल्स टू, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा,
3072 केजी ही बचा। समझ में आ रहा है कि 10,613 रुपए, 10,987 रुपीज, ये तो रुपीज है, केजी कितना बचा मेरे पास, 5% यहां निकल गया और यहां मेरा 4% निकल गया। और तो और कंपनी एक और बोल रही है कि हमारे पास एक और प्रोविजन क्रिएट करना है 5% फॉर स्टोरेज लॉसेस, कि एक और तरीके का लॉस हो जाता है हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज लॉसेस। मतलब हमारे पास क्या 3800 यूनिट्स बचेंगे, ये भी नहीं बचेगा, हमारे पास तो क्या आएगा 3800 माइनस कितना परसेंट प्रोविजन रखना है 5% बराबर, तो हमारे पास क्या बचेगा 3800 माइनस 5%, वी विल बी ओनली लेफ्ट विद 3610 यूनिट्स ऑफ एक्स। एंड सिमिलरली 3072 माइनस 5%, वी विल बी लेफ्ट विद 2918.4 जाने देते हैं यूनिट्स ऑफ वाई। अब समझ में आया आपको एक्स के कितने यूनिट बचे हैं और वाई के कितने यूनिट बने। अब अगर मैं आपको पूछूं कि फाइनली बताओ कि एक्स का क्या भाव हमें पड़ा और वाई का क्या भाव हमें पड़ा, तो हम निकाल सकते हैं, यस हम निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट एक्स का क्या है 10613 डिवाइडेड बाय टोटल यूजेबल यूनिट्स, कितने मिले मेरे को 3610 डिवाइडेड बाय 3610, तो एक्स की जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल्स टू 2.939 और रादर 2.94। देखो मैंने कितने पे खरीदा था, 2.5 पे खरीदा था, पर जब तक मैं उसकी अकाउंटिंग कर पाऊँ तब तक जो खर्चे लग गए या तब तक हमारा जो स्टॉक में कमी हो गई बिकॉज ऑफ लॉस नॉर्मल या फिर हमारा प्रोविजन जो हमें क्रिएट करना है, उससे हमारा एक्स की कीमत 2.5 नहीं रही, क्या रह गई 2.94 अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट हम यहां करते हैं वाई के लिए, क्या है हमारा 10,987 हमारी टोटल कॉस्ट तो थी, बट हमारे कितने यूजेबल यूनिट्स मिले डिवाइडेड बाय 2918 व्हिच इज इक्वल्स टू 3.76। मतलब हमने कितने में खरीदा था, 3.25 में खरीदा था, पर आज उसकी प्राइस हमारे लिए पर यूनिट कितनी हो गई 3.76। सो दिस इज कॉल्ड एज लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स।